जब मैं 14 अप्रैल को आया था, यही की धरती से आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। आज 2 महीने बाद 14 तारीख को भिलाई में आप सभी से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य फिर एक बार मुझे प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के भविष्य को मजबूत बनाने वाला एक और सुनहरा अध्याय आज जोड़ा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भिलाई में स्टील प्लांट के विस्तार और आधुनिकीकरण, दूसरा जगदलपुर हवाई अड्डा, नया रायपुर के कमांड सेंटर का लोकार्पण, अनगिनत विकास के काम, इसके अलावा भिलाई में आईआईटी कैंपस के निर्माण और राज्य में भारत नेट फेज 2 पर भी आज से काम शुरू हो गया है। करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उपहार आज छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं समर्पित कर रहा हूं। ये सभी योजनाएं यहां रोजगार के नए अवसर बनाने वाली है, शिक्षा के नए अवसर पैदा करने वाली है, आवाजाही के आधुनिक साधन देने वाली है और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों को संचार की आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली है। कई वर्षों से हिंदुस्तान में जब बस्तर की बात आती थी तो बम बंदूक पिस्तौल और हिंसा की बात आती थी, आज बस्तर की बात जगदलपुर के हवाई अड्डे से जुड़ गई है। साथियों, जिस राज्य के निर्माण के पीछे हम सबके श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों का कठोर परिश्रम है, तपस्या है, उस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ते देखना हम सबके लिए एक बहुत सुखद अनुभव है, आनंद और प्रेरणा देने वाला अनुभव है। अटल जी के विजन को मेरे मित्र मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने पूरे परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया है और जब भी मैं उनसे बात करता हूं, टेलीफोन पर तो अक्सर मिलते रहते हैं, रूबरू मिलता हूं, हर बार वो कोई नई कल्पना, नई योजना, नई चीज लेकर के आते हैं और इतना उमंग और उत्साह के साथ आते हैं और वो उसको लागू करके सफलता के शिखर पहुंचाने का आत्मविश्वास उनकी हर बात में नजर आता है। साथियों, हम सब जानते हैं विकास करना है, प्रगति करनी है तो शांति, कानून और सामान्य जनजीवन की व्यवस्थाएं ये प्राथमिकता रहती है। रमन सिंह जी ने एक तरफ शांति, स्थिरता, कानून, व्यवस्था उस पर बल दिया तो दूसरी तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते चले, नई कल्पनाएं, नई योजनाएं वो लेते आते रहे और विकास की तीर्थ यात्रा के लिए मैं रमन सिंह जी और उनके यहां के 2.5 करोड़ से ज्यादा
मेरे छत्तीसगढ़ी भाइयों बहनों को अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मैं कभी इस क्षेत्र में टू व्हीलर पे आया करता था। मैं संगठन के काम के लिए आता था, ये मेरे सारे साथी, हम 5-50 लोग मिलते थे, देश की, समाज की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, क्योंकि उस समय संयुक्त था, बातें करते थे। तब से लेकर के आज तक कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब मेरा छत्तीसगढ़ से दूरी बनने का कोई कारण बना। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, हर बार आपसे जुड़ा रहा। शायद पिछले 20, 22, 25 साल हुए होंगे जिसमें एक भी वर्ष ऐसा नहीं होगा कि जहां मेरा छत्तीसगढ़ आना न हुआ हो। शायद यहां कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा होगा कि जहां मेरा जाना न हुआ। और यहां के प्यार को, यहां के लोगों के पवित्रता को मैंने भली भांति अनुभव किया है। और भाइयों और बहनों, आज यहां आने से पहले मैं भिलाई स्टील प्लांट गया था। 18,000 करोड़ से अधिक खर्च करके इस प्लांट को और आधुनिक तकनीक और नई क्षमताओं से युक्त किया गया है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस परिवर्तित आधुनिक प्लांट के लोकार्पण का भी, उस प्लांट के लोकार्पण का भी अवसर मिला। ये देश के बहुत कम लोगों को पता होगा कि कच्छ से कटक तक और करगिल से कन्याकुमारी तक आजादी के बाद जो भी रेल की पटरियां बिछी हैं, उनमें अधिकतर इसी धरती से आप ही के पसीने के प्रसाद के रूप में पहुंची है। निश्चित तौर पर भिलाई ने सिर्फ स्टील ही नहीं बनाया है, बल्कि भिलाई ने जिंदगियां को भी संवारा है, समाज को सजाया है और देश को भी बनाया है। भिलाई का ये आधुनिक और परिवर्तित स्टील प्लांट अब न्यू इंडिया की बुनियाद को भी स्टील जैसा मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, भिलाई और दुर्ग में तो आपने खुद अनुभव किया है कि कैसे स्टील प्लांट लगाने के बाद यहां की तस्वीर ही बदल गई है। इस वातावरण को देखकर मुझे विश्वास है कि बस्तर के नगरनार में जो स्टील प्लांट स्थापित हुआ है, वो भी बस्तर अंचल के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति देने में यहां के स्टील सेक्टर, लौह अयस्क के खनन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर आपका और विशेषकर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है। यही वजह है कि हमने सरकार में आने के बाद एक बहुत बड़ा कानून में बदलाव किया और हमने यह सुनिश्चित किया कि जो भी खनिज निकलेगा उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा वहां के स्थानीय निवासियों को उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। यह हमने कानूनन तय कर दिया और इसलिए खनन वाले हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस कानून में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ को भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। ये पैसे अब खर्च हो रहे हैं आपके लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए। भाइयों और बहनों,
जब विकास की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो इसके लिए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है। भिलाई की पहचान तो दशकों से देश के बड़े एजुकेशन हब के तौर पर रही है, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद यहां आईआईटी की एक कमी महसूस होती थी। आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पिछली सरकार के समय भी इस बात के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे कि भिलाई को आईआईटी मिलना चाहिए, लेकिन वो भी कौन लोग थे आप जानते हैं भली भांति। रमन सिंह जी ने 10 साल मेहनत की, पानी में गई, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जब हमारी बारी आई रमन सिंह जी आए और हमने तुरंत फैसला कर दिया 5 नए आईआईटी, और जब 5 नए आईआईटी बने तो आज भिलाई में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का एक आधुनिक आईआईटी का कैंपस, उसका शिलान्यास भी हो रहा है।